छुट्टा जानवर, ये समस्या इतनी बड़ी कि किसान रोने पर मजबूर है, लेकिन इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में छुट्टा जानवरों का मुद्दा काफी गर्म रहा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिससे पूरे प्रदेश के किसानों को इस पीड़ा से एक सूत्र में बांधता है। अब ये मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका के रूप में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छुट्टा जानवरों से किसानों को राहत दिलाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए याची अधिवक्ता से स्वयं ही पायलट प्रोजेक्ट सुझाव तैयार कर पेश करने को कहा है। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने बुंदेलखंड किसान यूनियन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि छुट्टा जानवरों से न केवल किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं से सड़क हादसे हो रहे हैं और यातायात भी बाधित हो रहा है। याचिका अधिवक्ता ने आगे कोर्ट को बताया कि बुलंदशहर से लेकर चित्रकूट तक 80% खेतों की बुआई नहीं हो पा रही है, क्योंकि छुट्टा जानवर खेत की खड़ी फसल चर ले रहे हैं। किसान अपनी फसलों को छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर कटीले तार लगा रहे हैं, तो उसे पशु क्रूरता मानकर कार्रवाई की जा रही है। किसान इससे भी परेशान है। सरकार छुट्टा जानवरों की देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था किए जाने का दावा तो कर रही है, लेकिन मौके पर हकीकत कुछ अलग ही है। पशु आश्रय स्थल केवल कागजों पर ही है। बुंदेलखंड किसान यूनियन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि छुट्टा जानवरों की समस्या गंभीर है और इसका हल बहुत आसान नहीं है। कोर्ट ने याची से कहा कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे सरकार भी अपना सहयोग दे और जन सहभागिता भी रहे। मामले की सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। आइए अब जानते हैं आंकड़े इस पर क्या कहते हैं। एक आरटीआई अर्जी के जवाब में यातायात पुलिस निदेशालय ने ये जानकारी दी है कि 2017 में प्रदेश में 662 सड़क हादसे छुट्टा जानवरों की वजह से हुए हैं और इसमें 335 लोगों की जान भी गई है। जानवरों से होने वाली मौतों में 2016 के मुकाबले करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। सेंट्रल फिशरीज पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या 2012 में 10,09,436 से बढ़कर 2019 में 11,84,494 हो गई है। जिलावार आंकड़ों के अनुसार चित्रकूट जिले में सबसे अधिक 68,813 आवारा पशुओं की संख्या दर्ज की गई। इसके बाद महोबा में 61,765, वहीं गोंडा में 52,615, हरदोई में 48,173 और बांदा में 47,658 की संख्या दर्ज की गई। सरकार के पास राज्य के सभी 75 जिलों की सूचना उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रति पशु और उनके रखरखाव के लिए प्रतिदिन 30 रुपए का भुगतान कर रही है। हालांकि पशुओं के लिए बने आश्रय ग्रहों का प्रभाव बहस का विषय है। सरकार द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद से पशु व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वैसे एक बार जब वो दूध उत्पादन की उम्र पार कर जाते हैं या खेती की गतिविधियों में उपयोग के अयोग्य नहीं रहते हैं तो वो बोझ बन जाते हैं, क्योंकि किसान उन्हें खिलाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए उनके पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। पशुओं को छोड़े जाने की वजह से किसानों के लिए अलग समस्या खड़ी हो गई है। आवारा मवेशी अक्सर नई फसलों को चरने के लिए खेतों में चले जाते हैं। वैसे आपके हिसाब से समस्या का क्या समाधान है और हमें किस तरह से इससे निजात मिल सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.बातेंयूपी.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।